विद्यार्थियों, आज हम पादप आकारिकी के अंतर्गत जड़ की विशेषताएं और मूसला जड़ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों का अध्ययन करेंगे। अब इससे पहले हमें बात करी है हमने कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ पौधे का वह भाग होता है जो मूलांकुर से उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय शक्ति की ओर जा रहा है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। अर्थात मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली वह रचना जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, इसे हम जड़ कहते हैं। और जड़ के कार्य होते हैं मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषित को अवशोषित करना और पौधे को भूमि में स्थिरता प्रदान कर यांत्रिक सहायता देना। ये है जड़ की परिभाषा। कल हमने बात करी थी दो तरह की जड़, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। आज हम देखेंगे जड़ की विशेषताएं। देखते हैं हम जड़ की विशेषता क्या क्या होती है। अब सबसे पहली विशेषता होती है जड़ की। देखिए, ये बीज है, इससे ये दो रचनाएं उत्पन्न हुई थी। इसको हमने कहा था प्रांकुर और ये रचना कहलाई मूलांकुर। अब सबसे पहली विशेषता ही यही है कि जड़ कहाँ से उत्पन्न होती है। जड़ें मूलांकुर से उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता होती है जड़ की कि जो जड़ है, जैसे ये कोई जड़ बनाई है मैंने, इस जड़ के शीर्ष पर देखा होगा आपने जो जड़ें हैं ये लगातार भूमि में वृद्धि करती हुई जाती है। इसका मीन्स ये है कि जड़ के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर कोई ऐसा पॉइंट पाया जाता है, ये इस तरीके का शीर्ष पर वृद्धि बिंदु पाया जाता है, वृद्धि बिंदु पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जड़ का शीर्ष है, ये वाला भाग, यहाँ वृद्धि बिंदु है। तो ये वृद्धि बिंदु डैमेज ना हो जाए भूमि में नीचे जाते समय, तो इसकी रक्षा करने के लिए जड़ के शीर्ष पर एक टोपीनुमा रचना पाई जाती है। इस टोपीनुमा रचना को कहा जाता है हिंदी में मूल छत या इंग्लिश में कहते हैं इसको रूट केप। तो वृद्धि बिंदु पाया जाता है और शीर्ष पर पाया जाता है वृद्धि बिंदु की रक्षा के लिए, वृद्धि बिंदु की रक्षा के लिए रूट केप पाई जाती है। यह हमारी अगली विशेषता हुई। आगे देखिए, अब आपने जड़ें देखी होगी, जैसे कि कोई जड़ बनाई है मैंने, इसके शीर्ष पर इस तरीके से पतली धागे नुमा रचनाएं निकली रहती है। आपने गाजर और मूली में देखी होगी ये पतली धागे नुमा रचनाएं, यदि हम इस देखें तो ये हमें इस तरीके की नजर आती है। यानी जड़ों के अंदर एक कोशिकीय मूल रोम, जड़ों के अंदर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, ये विशेषता हो गई। इसके अलावा देखिए, अब तने की बात करते हैं हम बीच में। जैसे ये तना है, कोई तना, इसमें ये देखिए ये इस तरीके की रचना, ये वाले भाग कहलाते हैं नोड, ये वाला भाग भी कहलाता है नोड। और दो नोड के बीच में जो गैप होती है, दो नोड के बीच की गैप को कहा जाता है
इंटरनोड। तो तने के अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जबकि जड़ के अंदर ये इस तरीके की रचनाएं नोड व इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पर ये बनाया है तना, ये जड़ है, ये देखिए जड़ें भूमि में गहराई में फैली रहती है, अत्यधिक गहराई तक जाती है और अंदर मिट्टी में रहने के कारण जड़ें कैसी होती है, रंगहीन होती है और गहराई में पाई जाती है। गहराई में स्थित होती है। इसके अलावा और विशेषताएं देखिए आप जड़ की। अब जड़ के ऊपर किसी भी प्रकार की बडिंग कलिका उत्पन्न नहीं होती है, ये जड़ की अगली विशेषता। और इसी तरीके से लिखा है हमने यहाँ पे, गहराई में जाती है और जड़ें कैसी होती है, बहुत अधिक शाखित होती है। ठीक, और लास्ट पॉइंट एक और देखते हैं हम कि जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़े धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती धनात्मक जलानुवर्ती होती है। और इसी के साथ लिखा जाएगा कि जड़ ऋणात्मक प्रकाश के विपरीत जा रही है, जमीन की ओर जा रही है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ये हो गई जड़ की विशेषता। एक बार वो देखते हैं हम कि जड़ें मूलांकुर से उत्पन्न होती है, जड़ के शीर्ष पर वृद्धि बिंदु पाया जाता है जिसकी रक्षा करने के लिए रूट गैप पाया जाता है, जड़ों पर एक कोशिकी मूल रोम पाए जाते हैं, जड़ के ऊपर नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, जड़ें रंगहीन होती है, भूमि में गहराई में स्थित होती है और शाखित होती है, और जड़ों के ऊपर कलिकायन बडिंग नहीं होता है, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और जलानुवर्ती होती है और जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ये होती है जड़ की विशेषताएं। अब देखते हैं हम कि एक प्रारूपिक जड़ के अंदर कौन कौन से संरचनात्मक भाग पाए जाते हैं। देखिए ये देखो, एक जड़ बना रही हूं मैं, एक सामान्य जड़ की संरचना। ये जड़ ऐसी होती है, इसके शीर्ष पर ये पाया जाता है, इसको कहते हैं हम वृद्धि बिंदु। ये वृद्धि बिंदु हो गया। इस वृद्धि बिंदु भूमि में लगातार जड़ वृद्धि कर रही है, तो वृद्धि बिंदु डैमेज ना हो जाए इसकी रक्षा करने के लिए पाया जाता है रूट केप। ये रहा रूट केप। अब यहाँ ये वाला जोन, इस जोन की कोशिकाएं देखिए रविभाजी ऊतक पाया जाता है यहाँ पर, और इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है
कोशिका विभाजन क्षेत्र। इसके बाद इसके ठीक ऊपर वाला जोन ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार लंबाई में वृद्धि करती है। ये देखो आप, ये वाला कहलाता है जोन इलोंगेशन जोन, या इसको लिखते हैं हम कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके बाद अगला जोन देखिए आप लोग, ये वाला। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में कुछ इस तरीके की रचनाएं पाई जाती हैं, लंबे पतले एक कोशी की मूल रोम निकले हुए रहते हैं। देखिए ये कहलाता है मूल रोम क्षेत्र। रूट हेयर जोन मूल रोम क्षेत्र कहलाता है। एक कोशी की मूल रोम होते हैं और इन्हीं के द्वारा जड़े मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब ये मूल रोम थोड़े थोड़े समय में नष्ट होते रहते हैं और इनके स्थान पर नए मूल रोम का निर्माण होता रहता है। इसके बाद अगला जोन देखिए, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये जोन कहलाता है परमानेंट जोन, या इसको कहते हैं हम स्थायी क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बिल्कुल परमानेंट स्थायी होती है, इनमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है और ये कोशिका जोन ही पौधे को स्थिरता प्रदान करता है, मिट्टी में बनाए रखता है, यांत्रिक सहायता देता है। ये है एक प्रारूपिक जड़ की संरचना। आइए एक बार और देखते हैं कि जड़ को संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये इस तरीके की नज़र आती है। सबसे शीर्ष पर वृद्धि बिंदु पाया जाता है। वृद्धि बिंदु की रक्षा करने के लिए एक कैप नुमा रचना पाई जाती है जिसे रूट कैप कहते हैं। इसके ऊपर की ओर लगातार कोशिका विभाजन करने वाला क्षेत्र पाया जाता है जिसे सेल डिवीजन जोन या कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर का जो जोन होता है वो होता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण का क्षेत्र। इसकी कोशिकाएं लगातार लंबाई में वृद्धि करती है, इसी कारण जड़ें भूमि में लगातार गहराई की ओर जाती रहती है। इसके ऊपर का जो जोन है वो कहलाता है रूट हेयर जोन मूल रोम क्षेत्र। यहाँ पर एक कोशी की मूल रोम पाए जाते हैं और इन मूल रोम के ऊपर की ओर पाया जाता है परमानेंट जोन स्थाई क्षेत्र। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं ही पौधे को भूमि में स्थिरता और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।